स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स पार्ट सेकंड। स्टैटिकल फिजिक्स यूनिट 4। ठीक है, तो हमने कल क्या देखा, तीनों टाइप के आपकी स्टेटिस्टिक्स हो गई। ऐसे अब आप लोगों की बस एक दो टॉपिक्स और रह रहे हैं, तो आप लोगों को समझ में आई होगी आई होप पूरी थर्मो एंड स्टेटिस। अच्छे से पेपर करके आना आपको इसका। ठीक है, तो हाँ आज हम पढ़ते हैं, एक दो टॉपिक बाकी है। आज हमारी अभी कोई लास्ट क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन गैस के बारे में हमने पढ़ लिया। इलेक्ट्रॉन गैस किस अकॉर्डिंग बिहेव करता है वो हमने देख लिया। दूसरा कल हमने कौन सी इक्वेशन देखी, ताप यानी उत्सर्जन के बारे में कल हमने पढ़ा। ताप यानी उत्सर्जन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसमें पूरी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट थी। और लास्ट में जो हमने इक्वेशन में लिखा कौन सी, रिचर्डसन लक्ष्मण समीकरण, वो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, उसके नाम से ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको समझ में आ गया होगा, हमने ये दोनों टॉपिक पढ़े थे। क्लियर हो गया, कल की क्लास समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब चलो आज एक दो छोटे छोटे टॉपिक से वो हम कर लेते हैं, छोटे टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है आपके आए हुए। ठीक है ना, तो आप लोग इसमें सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग डालो संपर्क विभव। ऐसे कहते हैं कॉन्टेक्ट पोटेंशियल। संपर्क विभव या कॉन्टेक्ट पोटेंशियल हेडिंग दीजिए। पोटेंशियल क्या है, एक बहुत छोटा सा एक नॉर्मल सा टॉपिक है, इसमें ऐसा कुछ खास वाली चीज नहीं है, पढ़ी भी होगी हम लोगों को, सबको आता भी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखने का तरीका है। ठीक है, देखो क्या होता है कि जैसे हमने कल बात की, कल हमने क्या देखा कि कोई भी मैटर है, जैसे कल हमने धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के निकलने की बात की थी। क्लियर है, क्या हो रहा था कल हमने जो देखा था, तो आप यदि उत्सर्जन, उसमें उत्सर्जन किस बात का था, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन था, किसके, कोई भी धातु के पृष्ठ से था। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमने कुछ उसको कुछ इस तरीके से कंसिडर किया कि ये जैसे कोई कुआं है, ठीक है ना, और ये है हमारा धातु का पृष्ठ, ये हमारा मेन धातु का पृष्ठ, तो इसके नीचे बहुत सारे अलग अलग आपके एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, कुछ उसमें से फिल्ड है, कुछ अनफिल्ड है। जहाँ तक एनर्जी लेवल्स फिल्ड होते हैं, वो एनर्जी स्टेट हमारे क्या कहलाते हैं, फर्मी एनर्जी स्टेट। तो हमने बात की थी कि इतनी मान ली थी हमने EF के इक्वल है हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है वो भी इस कंडीशन में स्थित है। टोटल इसको कितनी ऊंचाई पार करनी है, इस W के इक्वल, W यहाँ पे क्या था, इसकी डेप्थ आप मान सकते हो, इस कुएं की गहराई मान सकते हो, और वह गहराई एक्चुअल में किसके बराबर है, इसके पोटेंशियल के बराबर होता है W। क्लियर है, तो हमने ये देखा था कि टोटल इसको अगर इस W माइनस, अब इसके पास कितनी एनर्जी कम बच रही है, टोटल अगर ये इस W के इक्वल हाइट तक यहाँ तक आ जाए और इससे ज़्यादा एनर्जी जैसे इसको मिलेगी ये यहाँ से बाहर मूव हो जाएगा। क्लियर है, तो हमने ये देखा कि हम इसको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करवाएं, एक्स्ट्रा एनर्जी किसके इक्वल, W माइनस EF के इक्वल। ठीक है, और ये डिफरेंस क्या कहलाता है, फाई, फाई मतलब वर्क फंक्शन कार्यफलन के इक्वल था। ठीक है, हमने क्या देखा था कि अगर इस कार्यफलन के इक्वल समान अमाउंट में एनर्जी अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर पाते, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हमारे इस टॉप सरफेस पर आ जाएगा और इससे ज़्यादा एनर्जी मिलते ही यहाँ से मूव कर जाएगा बाहर, फ्री हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, दूसरी चीज़ हमने क्या देखी थी कि यहाँ पर हम इसको जितनी भी एनर्जी देंगे ये पूरी एनर्जी कैसे होगी, जितनी इसको चाहिए उतनी यूज में ले लेगा, उसके अलावा जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाएगी वो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाती है, गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। क्लियर है, इतना टॉपिक हमने कल देखा था। अब अगर हम क्या बात करें, अगर हम ऐसे ऐसे मान लो, अगर हम कोई भी दो धातु लेते हैं,
दो सतह ले रहे हो, ठीक है, कुछ भी चीज मान लो, दो अलग अलग आपने मान लिया, ए और बी कोई दो धातु ही ले लिया, ठीक है, किसी भी चीज की सतह से। तो अगर हम उन दोनों के बीच में देखें कि उन दोनों के बीच में आपस में इलेक्ट्रॉन्स का कैसा कनेक्शन होता है, मतलब कि सपोज एक हमने ले लिया, ये अभी कुछ नोट नहीं करना, पहले यहाँ देखे समझेंगे उसके बाद हम नोट करेंगे, ठीक है। हमने मान लो ये दोनों कंडीशन ले ली, कोई हमारे पास ये है धातु ए और ये कोई हमारे पास धातु बी है, ठीक है, इन दोनों में कुछ कुछ एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं भरे हुए हों, कितने भरे हुए हैं अभी हमें ये सब कुछ पता नहीं है, जितने भरे हुए होंगे वो क्या होंगे उसकी फर्मी एनर्जी लेवल्स हो जाएगी, क्लियर है। इन दोनों के बीच में अभी हमने केवल इनको नॉर्मली सपोज करो ये किसी धातु का ऊपर का पृष्ठ है, ये किसी धातु का ऊपर का पृष्ठ है। अभी इस ए के पास कितने, ये इतना टोटल इसकी डेप्थ है जितना इसको क्रॉस करना है, ऐसे ही टोटल डेप्थ इसकी इतना इसको क्रॉस करना है। इसका वर्क फंक्शन हमने मान लिया कोई फाइव ए है, ऐसे इसका वर्क फंक्शन हमने मान लिया फाइव बी है, क्लियर है। फाइव ए फाइव बी क्या है, वो टोटल अमाउंट है जितना की इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए चाहिए, ठीक है। अब यहाँ अगर हम ये देखें कि इन दोनों में से किसी भी एक मेटल का अगर हमने हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन, अभी ये हमने कौन सी कंडीशन देखी है, जबकि इन दोनों में किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट हमें नहीं करवाया है, ठीक है, इन दोनों को किसी भी विद्युत कोई जैसे इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट हम करवाते हैं तो किसी उसके द्वारा जोड़ा नहीं गया है, अभी नॉर्मली ये दोनों है। तो इन दोनों में हम ये देख रहे हैं कि किसी एक में हमारे पास फाई का मान ज्यादा है, एक में फाई का मान हमारे पास कम है, क्लियर है। मतलब ये डिफरेंस यहाँ पर हमारे पास कम है, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस ज्यादा है, या हम ये देखें कि फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो इसके ज्यादा फिल्ड है एज कम्पेयर टू दिस, इसकी तुलना में इसके पास फर्मी एनर्जी लेवल्स का मान ज्यादा है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू इसके पास ज्यादा है और इसके पास थोड़ी सी कमी है, ठीक है। अब अगर मान लो इन दोनों धातुओं को अगर आपने जोड़ दिया किसी भी विद्युतीय माध्यम से, इन दोनों में कोई आपने इलेक्ट्रिकली कोई भी आपने इनमें कॉन्टेक्ट करवा दिया, तो उस कॉन्टेक्ट के कारण क्या होगा, आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पे जैसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ से इस प्रकार से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हो जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे, और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्राप्त हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास कैसा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमने एक्चुअली में 3D में बनाया है डायग्राम, इसलिए हमने इसको ऊपर से करके बताया है, बट इन दोनों में कंडीशन कुछ आप इन दोनों की ऐसी मान सकते हो कि जैसे मान लो ये दोनों हैं, इनको थोड़ा आप चौड़ाई में मान सकते हो कि ये दोनों चौड़ाई में हमारे पास कोई दो धातु हमने लिया है और इन दोनों को हमने ऊपर से कोई कॉन्टेक्ट के थ्रू हमने जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान कैसे होगा, ऐसे में देख लो कि इन दोनों के बीच में मान लो ये दोनों इस प्रकार से दोनों हमारे पास उपस्थित हैं, दो अलग अलग धातु हैं, इन दोनों के बीच में हमने कोई भी क्या करवा दिया, कोई कॉन्टेक्ट करवा दिया, तो इनमें जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एक के पास कम है, तो ज्यादा वाले से कम वाले की तरफ इलेक्ट्रॉन अपने आप क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। तो वो मूव करने के कारण वहां पे मूव कैसे करेंगे, वो किसी न किसी टनल इफेक्ट के थ्रू मूव करते हैं, मतलब अंदर ही अंदर एक सुरंग के द्वारा वो पहुंच जाएंगे। ये जो आपको इसमें ऐसा दिख रहा होगा कि ऊपर जाके पीछे से फिर नीचे आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, एक्चुअली हमने 3D में बनाने की कोशिश की है इस वजह से। बाकी ये दोनों कैसे, ये दोनों बिल्कुल एक के पीछे एक किसी एक सुरंग के द्वारा एक से दूसरे में मूव कर जाते हैं, ठीक है। और वो पृष्ठ जहाँ पर ये दोनों जो कॉन्टेक्ट होता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्टेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन का कॉन्टेक्ट से मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या दिखता होगा एक जगह पे आपके पास, जबकि इलेक्ट्रॉन की कमी होती जाएगी, तो जहाँ ये कम और ज्यादा ये दोनों वैल्यू जहाँ मिल जाएगी एक दूसरे को कुछ कैंसिल आउट भी करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक विभव रोधिका बन जाती है जिसको हम बोलते हैं बैरियर, जिसको हम क्या बोलते हैं बैरियर बोलते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ मतलब रुकावट आ जाती है, उस रुकावट को दूर करने के लिए ही क्या किया जाता है, ये इनमें इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट करवाया जाता है, क्लियर है। तो इसके कारण फिर जो इन दोनों में जो विभव उत्पन्न होता है, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होते हैं, इन दोनों का जो फाई ए और फाई बी है, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होता है इसका पोटेंशियल, वो पोटेंशियल क्या कहलाता है, कॉन्टेक्ट पोटेंशियल कहलाता है, संपर्क विभव कहलाता है, क्लियर है, समझ में आया। तो ये हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टेक्ट पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग थोड़ा लिखो, थ्योरेटिकल है थोड़ा, बहुत ज्यादा ऐसी कोई चीज नहीं है। हमें दूसरी चीज ये देखना है, अब पोटेंशियल आप लोगों को ध्यान होगा, पोटेंशियल हमने कहाँ पढ़ा था शुरू में, जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे उसमें हमने लास्ट में पढ़ा था पोटेंशियल कौन सा, एक तो हमने उष्मागतिकीय विभव भी पढ़े थे और दूसरा हमने एक और कौन सा पोटेंशियल पढ़े थे, ध्यान है आप लोगों को, दो टाइप के पोटेंशियल पढ़े थे, एक तो हमने
थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल पढ़े थे, उसमें देखिए विभव, एक हमने पढ़े थे केमिकल पोटेंशियल और रासायनिक विभव, दोनों टाइप के विभव पढ़े थे ना हमने, उन दोनों में देखा था, दोनों अलग अलग टॉपिक थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि इन पोटेंशियल का, या अगर हम इसी चीज़ को, ये जो पूरा अभी हमने इतनी बड़ी पूरी जो कहानी कही है, इसी कहानी को इस पोटेंशियल को, यहाँ पर तो वी की वैल्यू क्या है, इन दोनों के वर्क फंक्शन के डिफरेंस के इक्वल है, इन दोनों के कार्य फलन के अंतर के बराबर है यहाँ पर जो विभव है। अब अगर हम इस विभव को जो हमने ऊष्मागतिकीय विभव पढ़ा था उसकी तरह अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, इसकी व्याख्या करें, तो हमारे पास क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये चीज़ हमें यहाँ पे मैं पढ़नी है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है कॉन्टेक्ट पोटेंशियल पे, अभी लास्ट कुछ टाइम पहले ही आया हुआ है, इसलिए आपको ये टॉपिक करवाया जा रहा है। देखो धातुओं में फर्मी ऊर्जा के विद्यमान होने की, धातुओं में फर्मी ऊर्जा के विद्यमान होने की व्याख्या करने के लिए, प्रायः दो धातुओं के संपर्क विभवांतर को उपयोग में लाया जाता है। दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस, विभवांतर को प्रयोग में लाया जाता है। फुल स्टॉप। माना दो धातु ए व बी लिए गए हैं जिनके बीच कोई वैद्युतीय संबंध नहीं है। फुल स्टॉप। किसी एक इलेक्ट्रॉन की जो धातु से बाहर होगा स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है तथा इन धातुओं के फर्मी स्तर स्थितिज ऊर्जा के शून्य स्तर से ई फाई ए व ई फाई बी नीचे होंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है, देखो ये हमने कोई वैल्यू ले ली, यहाँ बात कर रहे हैं दो धातुओं की, हमने कोई धातु ले ली बी, ठीक है। ये हमारे पास है बी बराबर जीरो, मतलब एक तरह से ये टोटल हमारे पास डेप्थ है, टोटल इसकी पोटेंशियल है बी बराबर जीरो, या एक तरह से आप इसको ये मान सकते हैं धातु की सरफेस जहां तक इस इलेक्ट्रॉन को जाना है। अभी कहाँ तक है, ये एक प्रकार से इनकी फर्मी ऊर्जा इस तरह जहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स के भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन को हमारे यहाँ पर उपस्थित होगा, ठीक है। तो ये इनका कार्यफलन इसका कितना है, ई फाई ए, और इसका कितना है ई फाई बी, ठीक है। बी बराबर जीरो कौन सी कंडीशन है, ये जैसे हम धातु का वो प्रश्न ले सकते हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर निकल रहे हैं।
ऊर्जा बढ़ जाती है, और स्थिति की ऊर्जा वहाँ कैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो अभी हमने वही बात की है कि इस प्रश्न से ऊपर जाती है स्थिति ऊर्जा कैसी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसलिए यहाँ हमने किसको प्रदर्शित किया, स्थिति ऊर्जा वी इक्वल टू जीरो से प्रदर्शित किया, ठीक है। और ये जो दोनों धातु हैं इनके ऊर्जा स्तर के इनके जो कार्यफलन होंगे वो वी बराबर जीरो से एक तो ई बाई ए की गहराई तक नीचे होगा और एक ई बाई बी की गहराई तक नीचे होगा। क्लियर है, बना दो इसे। दोनों में हम इस तरीके से कॉन्टेक्ट बना सकते हैं, दोनों के फाइन में ये डिफरेंस आ रही है, ये डिफरेंस किसके इक्वल है, ई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ देख लो ये डिफरेंस नीचे बता देते हैं किसके इक्वल है, ई कॉमन ले लो, फाइव बी की वैल्यू बड़ी है फाइव ए से, तो इनटू में क्या आ जाएगा, फाइव बी माइनस फाइव ए। देखो जहाँ ई फाई ए व ई फाई बी, जहाँ ई फाई ए और ई फाई बी परम शून्यता पर धातु ए व धातु बी के कार्यफलन है। ये ए क्या है, धातु ए व धातु बी के कार्यफलन है, धातु ए व धातु बी के कार्यफलन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमने एक तरीके से कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी लगाई है, आप इसको रिमूव भी कर दो तो भी उससे कोई फर्क नहीं है यहाँ पे। लेकिन क्या दिख रहा है हमें, फाइव बी का मान फाइव ए से ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका एक्चुअली में फाइव बराबर क्या होता है, फाइव बराबर पता है डब्ल्यू माइनस ई एफ के इक्वल होता है। आप देख रहे हो इसकी फर्मी एनर्जी लेवल ऊपर है, इसकी फर्मी एनर्जी लेवल नीचे है। W तो दोनों के लिए सेम ही होगा, W तो टोटल ऊंचाई है यहाँ से, ये हमारा W तो सेम ही है। लेकिन अगर हम बात करें फाई ए के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ W माइनस ई एफ जो है, ई एफ का मान क्योंकि ज़्यादा है, ये रेशो आपके पास थोड़ा क्या है, कम है फाई ए के लिए। ये जो आपके पास डिफरेंस है ये थोड़ा कम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ई एफ का मान आपके पास ज़्यादा है। वही सेम बात अगर अपन करें फाई बी के लिए, तो फाई बी के लिए अगर आप W माइनस ई एफ करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ई एफ का मान अभी आपके पास कैसा है, कम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये डिफरेंस कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फाइव बी कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो देखो इसमें माना फाइव बी का मान फाइव ए से अधिक है, अब ये हमें कंडीशन देकर के चल रहे हैं, इसीलिए हमने माना था, क्योंकि ऐसा जरूरी तो है नहीं कि दोनों में इतना डिफरेंस हो ही, वो भी तो सकते हैं कि दोनों धातु बिल्कुल इक्वल पे हो, एनर्जी लेवल पे हो सकता है, फाइव बी का डिफरेंस कम होता है। तो हमें एक कंडीशन लेकर के चल रहे हैं कि दो धातु में से एक का हम ज्यादा मान लेकर चल रहे हैं, एक का कम मान लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो माना फाइव ए का मान फाइव बी का मान फाइव ए से अधिक है, इस स्थिति में जब धातु एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, धातु ए का फर्मी ऊर्जा स्तर धातु बी के ऊर्जा स्तर से ऊंचा है, ई एफ की वैल्यू। ठीक है, तो धातु ए का फर्मी ऊर्जा स्तर धातु बी के ऊर्जा स्तर से ऊंचा है। ठीक है, ये हमने कंडीशन बताई है पूरी फर्स्ट। इस डायग्राम को आप नाम दे देना ए।
एक कंडीशन हमने बताई है, अभी तक इन दोनों में हमने कोई भी किसी प्रकार का वैद्युतीय संयोजन इन दोनों में नहीं किया है, ठीक है, तब तक की कंडीशन नहीं है। अब लिखो फुल स्टॉप दे करके, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, अब धातु ए व बी के मध्य वैद्युत संपर्क स्थापित कर दिया जाता है, ए व बी के मध्य वैद्युत संपर्क स्थापित कर दिया जाता है, तो संपर्क स्थल पर एक विभव रोधिका बन जाती है, विभव रोधिका बन जाती है। फुल स्टॉप। यदि इस विभव रोधिका की मोटाई अत्यंत कम हो तो सुरंगन प्रभाव के द्वारा टनल इफेक्ट, नाम से क्लियर है, टनल के थ्रू, ठीक है ना, जैसे हम किसी चीज को ऊपर से कुछ छेड़ेंगे उसके अंदर ही अंदर सुरंग बना लें, टनल इफेक्ट। सुरंगन प्रभाव के द्वारा धातु ए से अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन धातु बी की ओर प्रवाहित होते हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट डायग्राम बना लेते हैं। क्या कंडीशन हो जाएगी देखो, जैसे हम क्या कह रहे हैं, अब यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव हो जाएंगे बी से ए से बी में, तो इसका मतलब दोनों में मूव कब तक होंगे, जब तक कि दोनों में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा इस तरह बिल्कुल बराबर नहीं हो जाए, मतलब अब ये दोनों कैसे हो जाएंगे बिल्कुल बराबर। तो ये देखो, जैसे ये हमने बना दिया ए, ठीक है, ए है, ये हमने बना दिया बी, बराबर में ही हम बना लेते हैं ताकि हमें बराबर लगे। ये हमारे पास है बी, क्लियर है, कितनी थी ई फाई ए, क्लियर है, ये हम एक्चुअली 3D में एक के पीछे एक बनाना चाह रहे हैं, इस तरीके से हमने इसको तोड़ दिया, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है ये ई फाई बी, ठीक है, और ये कौन सी ऊंचाई है इन दोनों की, हमने क्या ले ली इन दोनों की टोटल ऊंचाई किसके इक्वल मान लेते हैं, हम
ए और फाइव की है तो दोनों ए और बी का बिल्कुल बराबर कंडीशन आ रहा है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे ले लो, इसको बड़ा बना देते हैं। ठीक है, ये दोनों छोटे ये बिल्कुल बराबर में बनाना दोनों। अगर यहाँ थोड़ा डिफरेंस रह भी रहा हो तो आप इसे बिल्कुल इक्वल भी लोगे। देखो समझ में आ गई ना कंडीशन, ये हमने टोटल हमारी जो ऊंचाई थी ये वाली ऊंचाई थी टोटल। ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, ई फाई है, इसकी ई फाई भी, ये बीच में क्या आ रहा है, ये एक तरह से हमने 3D में बनाने के लिए डायग्राम इस तरीके से बनाया, ये दोनों एक के पीछे एक है तो दोनों में इस तरीके से जैसे एक यहाँ पर है एक यहाँ पर, ये दोनों बीच में टनल इफेक्ट के थ्रू क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना हो रहा है। तो ये टनल इफेक्ट के थ्रू ये एक्चुअली में टोटल एक लाइन बनी हुई है इन दोनों के बीच में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ए से बी में मूव कर रहे हैं। ठीक है, देखो फिर हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर प्रवाहित होते हैं इस प्रकार बी के मूल फर्मी ऊर्जा स्तर के ऊपर के स्तर भरने लगते हैं। फर्मी ऊर्जा स्तर के ऊपर जो यहाँ पर जो खाली रह गए थे वो सारे धीरे धीरे कैसे होने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। इसकी वैल्यू यहीं तक रहती थी जब ये से इतना ज़्यादा था, अब इसके ऊपर का जो इतना खाली पार्ट है ये धीरे धीरे थोड़ा बढ़ने लग जाता है और यहाँ से ये पार्ट कैसा होता जाता है, खाली होता जाता है। कब तक, जब ये दोनों बिल्कुल बराबर बराबर में नहीं हो जाते। ठीक है, तो बी के मूल ऊर्जा स्तर से ऊपर के स्तर बढ़ने लगते हैं तथा ए के चालन बैंड के ऊपरी ऊर्जा स्तर खाली होने लगते हैं। चालन बैंड हमने क्यों कहा है, क्योंकि हमने उस दिन भी देखी थी ये क्या होता है, ये आपका होता है वैलेंस बैंड, ये भी होता है, ये आपका होता है कंडक्शन बैंड, इसी होता है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं आपके पास, फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं गति करने के लिए। तो यही वाले इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं यहाँ से, जो इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं पृष्ठ पे से वो कौन से निकलते हैं, चालन बैंड के। जैसे इसके ऊपर हमने बात की फर्मी ऊर्जा स्तर से ऊपर की थी, यहाँ पे सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जो चालन बैंड में हमारे उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो देखो ए के चालन बैंड के ऊपरी ऊर्जा स्तर खाली होने लगते हैं, यह क्रम तब तक चलता है जब तक ए व बी धातु के चालन बैंड के ऊपरी ऊर्जा स्तर बराबर नहीं हो जाते। स्टॉप को धातु
धातु ए का, धातु ए जिसका कार्य फलन कम होता है, धातु ए जिसका कार्य फलन कम होता है इलेक्ट्रॉन हानि से धनात्मक आवेशित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन हानि से धनात्मक आवेशित हो जाता है। तथा धातु बी इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणात्मक आवेशित हो जाता है, ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। परिणाम स्वरूप दोनों धातुओं के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जिसका मान वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव बी माइनस फाइव ए। ए का कार्यफल पॉजिटिव हो गया, एक का नेगेटिव हो गया, तो दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट हो गया और डिफरेंस से क्या कहलाता है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। तो वी इक्वल टू फाइव बी माइनस फाइव ए। लिखो वी को संपर्क विभवांतर, कॉन्टेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वी को संपर्क विभवांतर, ब्रैकेट में लिख लेना, कॉन्टेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, दोनों में कॉन्टेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से होता है, जब दोनों में आप कोई कॉन्टेक्ट करवाते हो इसमें, इस पर इलेक्ट्रिकल, कोई भी दोनों में इलेक्ट्रिकल आपने इनको दोनों को जोड़ दिया, तो यहाँ पर अपने आप क्या होता है, एक तरह से करंट फ्लो होने लगता है, इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों में कॉन्टेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाता है। लास्ट लाइन लिखो इसमें, एक अतः स्पष्ट है कि बी का मान, अतः स्पष्ट है कि बी का मान धातुओं के कार्य फलनों पर निर्भर होता है, धातुओं के कार्य फलनों पर निर्भर होता है, ना कि स्थितिज ऊर्जा कूपों की गहराई पर। क्लियर है? तो ये था आपका कॉन्टेक्ट पोटेंशियल, इसके बेस पर, इस पर डिपेंड कर रहा था आपकी फाइनल वैल्यू पर, देख रहे हैं ऑनली फाइव पर डिपेंड कर रहा है, कार्य फलन पर डिपेंड कर रहा है, इनकी गहराई कितनी भी हो उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कॉन्टेक्ट पोटेंशियल, अगर हम ऊष्मागतिकीय रूप से अगर हम इसकी व्याख्या करें तो हमें इस पोटेंशियल का मान क्या मिलता है दोनों धातुओं। नेक्स्ट देखो, अब हम संपर्क विभव की ऊष्मागतिक विवेचना करते हैं, ठीक है। तो ऊष्मागतिक
क्लियर रूप से करने के लिए अब वापस हम पहले चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। हम मेमोरी चीजें क्या पढ़ते थे, किसी की एनर्जी ई है, उसका वॉल्यूम कितना ले लेते थे हम वी ले लेते थे, टेम्परेचर टी, एंट्रोपी एस, इन रिलेशन देख लेते थे, क्लियर है ना। तो ये सब चीज़ें तो देखो इसमें, माना ई वन व ई टू, माना कैपिटल इतना कैपिटल ई वन व कैपिटल ई टू, ई वन व ई टू ऊर्जा स्तर के दो समुच्चय, ऊर्जा स्तर के दो समुच्चय नियत ताप और दाब पर साम्यावस्था में हैं, नियत ताप व दाब पर साम्यावस्था में हैं, अतः संयुक्त निकाय के लिए, अतः संयुक्त निकाय के लिए गिब्स ऊष्मागतिकीय विभव, गिब्स ऊष्मागतिकीय विभव न्यूनतम होना चाहिए, गिब्स ऊष्मागतिकीय विभव न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ई टोटल की वैल्यू, ई की वैल्यू अगर अपने पास है तो इसका मतलब इस कंडीशन में मिनिमम दोनों का संयुक्त रूप से अगर हम देखें एनर्जी मैक्सिमम है तो अपने पास गिब्स पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। या इसका मतलब क्या है लिखो, अर्थात जब एक इलेक्ट्रॉन निकाय एक से निकाय दो में स्थानांतरित किया जाता है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकाय एक से निकाय दो में स्थानांतरित किया जाता है तो परिणामी गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, तो परिणामी गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, परिणामी गिब्स ऊर्जा परिवर्तन शून्य होना चाहिए। गिब्स ऊर्जा टोटल क्या हो जाएगी, इवन ई टू है तो दोनों के करस्पॉन्डिंग आप गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन क्या लोगे, डी जी वन प्लस डी जी टू संयुक्त रूप से, ठीक है। टोटल किसके इक्वल, डी जी के बराबर, और ये हम किसके बराबर बता रहे, जीरो होना चाहिए। टोटल गिब्स ऊर्जा परिवर्तन कैसा होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। यहाँ से हम वैल्यू कहाँ से लेकर के आते, देखो हम देखते हैं सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ हमने क्या लिखा था, देखो ऊष्मा गतिकी के अनुसार क्या वैल्यू देखते थे, डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू माइनस म्यू इंटू डी एन, यही वैल्यू होती थी। डेल्टा क्यू किसके बराबर लिया था, टी डी एस के बराबर, डी यू को आप डी ई भी लिख सकते हो, प्लस वर्क डन किसके बराबर, पी डी वी माइनस म्यू इंटू डी एन, इसके इक्वल हो जाएगी वैल्यू, टोटल वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या बात कर रहे हैं कि टोटल अपन एनर्जी कैसी बता रहे हैं, नियत ताप और नियत दाब पर साम्यावस्था में होगा, जो हमने पहले क्या बोला कि दोनों का जो समुच्चय निकाय होगा नियत ताप पर और नियत दाब पर कैसा होगा, बिल्कुल साम्यावस्था में होगा। इसका मतलब हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, E अगर हम कांस्टेंट ले लें और V की वैल्यू हम कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है, E और V अगर हम कांस्टेंट के बराबर वैल्यू ले लेते हैं तो हमारे पास म्यू बराबर क्या बच जाएगा, तो हम क्या लिखें, नियत E, E टोटल कंजर्व रहेगा वह आयतन पर, नियत ऊर्जा वह आयतन पर क्या बच जाएगा, ई टी एस इक्वल टू डी ई में परिवर्तन और बी में परिवर्तन जीरो, तो माइनस म्यू इंटू डी एन बच जाएगा, म्यू की वैल्यू हम यहीं से निकालते थे, तो यहाँ से आपके पास म्यू बराबर क्या आ जाएगा, माइनस टी डी एस अपॉन डी एन एट कॉन्स्टेंट ई एन बी, के बराबर वैल्यू आती थी। लिख लो म्यू को क्या कहा जाता है, म्यू को रासायनिक विभव केमिकल पोटेंशियल कहा जाता है, म्यू को रासायनिक विभव केमिकल पोटेंशियल कहा जाता है। हमारे पास यहाँ से गिब्स फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम्प्लाइज गिब्स फलन,
dn के बराबर होता था, ध्यान है थर्मोडायनेमिक्स से भूल गए, म्यू इंटू डी एन के बराबर होता था। म्यू डी एन की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ से म्यू इंटू डी एन बराबर क्या निकाल सकते हैं, म्यू इंटू डी एन की नेगेटिव है, इसको इधर लेकर के आज टी डी एस को इधर भेज दो, तो वैल्यू आपके पास क्या होगी, डी ई प्लस पी डी वी माइनस टी डी एस आ जाएगा, म्यू इंटू डी एन इधर लिया, टी डी एस को इधर भेज दिया, डी जी बराबर, ठीक है, या फिर डी जी बराबर डी बाहर ले लेते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं इसको ई माइनस टी एस प्लस पी बी, डी जी इक्वल टू क्या रह गया, ई माइनस टी एस प्लस पी बी, ठीक है। और ये टोटल वैल्यू अपन ने पहले बता दिया, ये टोटल परिवर्तन किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर, परिवर्तन जीरो के बराबर हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब अपने पास क्या वैल्यू आ रही है, ई माइनस टी एस प्लस पी वी, ये वैल्यू इक्वल टू कैसी होगी, कॉन्स्टेंट, नियत मान होगा, कैसा हो जाएगा हमारा अपने पास, कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो लिखो इसमें, अतः उपरोक्त संयुक्त निकाय के लिए, अतः उपरोक्त संयुक्त निकाय के लिए नियत ताप व दाब पर, ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यू तो अपने पास कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, नियत ताप व नियत दाब पर साम्यावस्था में, नियत ताप व दाब पर साम्यावस्था में टोटल वैल्यू अपने पास, जैसे यहाँ पर क्या बोला, डी जी वन प्लस डी जी टू बराबर टोटल जीरो के बराबर था, इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, डी जी बराबर क्या है, म्यू इंटू डी एन के बराबर है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू वन डी एन वन, क्योंकि अपने दो धातु लिए एक और दो, प्लस दूसरी म्यू टू डी एन टू बराबर जीरो, क्लियर है। तो अपने पास म्यू एन वन डी एन वन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस म्यू टू डी एन टू, क्लियर है, लिख सकते हैं इस तरीके से। लेकिन परंतु डी एन टू बराबर क्या होगा, माइनस डी एन वन, जैसे यहाँ हमने देखा दोनों में परिवर्तन हो रहा है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, तो जो बी में, जो बी को क्या मिल रहा है, बी को गेन मिल रहा था, बी के पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, तो बी के पास जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो किसके बराबर थे, ए में कमी के बराबर थे, एक तरह से हम ये क्या मान रहे हैं, बी में जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं डी एन टू किसके बराबर है, पहले में कमी के बराबर है, नेगेटिव साइन कमी को प्रदर्शित करता है, ए में उतनी कमी थी तभी तो ए हमारा पॉजिटिव और बी नेगेटिव हो गया था, क्यों, बी को तो मिल गए थे इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिव हो गया था ऋणात्मक, और ए के पास कमी होने के कारण धनात्मक, तो डी एन टू बराबर होता है माइनस डी एन वन के, तो इसकी वैल्यू डाल दो, तो म्यू वन डी एन वन बराबर म्यू टू माइनस ऑलरेडी है माइनस माइनस प्लस डी एन वन, मतलब आपके पास म्यू वन बराबर क्या हो जाएगा, म्यू टू। इसका मतलब इन दोनों धातु जो हमने ए और बी ली, इन दोनों के अगर हम रासायनिक विभव की बात करें, म्यू पहले हमने इनका संपर्क विभव भी लिया था, अगर रासायनिक विभव की बात करें तो दोनों का कैसा हो जाएगा, इस कंडीशन में बराबर हो जाएगा, लिख लो। कोई यहाँ म्यू वन म्यू टू निकायों के रासायनिक विभव है, म्यू वन म्यू टू निकायों के रासायनिक विभव हैं, जो इलेक्ट्रोनिकाय के लिए फर्मी ऊर्जा के समान हैं, जो इलेक्ट्रोनिकाय के लिए फर्मी ऊर्जा स्तरों के समान हैं, फुल स्टॉप। अतः इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर के समुच्चय में, अतः इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों के समुच्चय में साम्यावस्था होने के लिए फर्मी स्तरों का समान होना अनिवार्य है, फर्मी स्तरों का समान होना अनिवार्य है। म्यू वन म्यू टू यहाँ क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, एक तरीके से इनके फर्मी लेवल्स, लास्ट में हमने क्या इक्वल किया था, हमने देखा था एक की तरफ हमारे पास फाई का मान कम था, दूसरी तरफ फाई का मान ज्यादा था, हमने दोनों को इक्वल कर दिया, तो यहाँ पे भी दोनों का पोटेंशियल इक्वल होने का मतलब क्या है, एक तरह से दोनों के फर्मी एनर्जी लेवल्स बराबर हो गए, ठीक है। इसका मतलब साम्यावस्था में कभी होंगे वो, जब दोनों के फर्मी ऊर्जा स्तर कैसे हो, समान। तो ये इसकी व्याख्या होती है ऊष्मागतिकीय रूप से, क्लियर है। ये था आपका टॉपिक कॉन्टेक्ट पोटेंशियल का।
नेक्स्ट हेडिंग डालो। हेलो धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा में विसंगति बहुत ही सा टॉपिक है। देखो यहाँ पर अपने को विसंगति देखनी है, विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट समझ के या तो पवन कैसे ले सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कांस्टेंट प्रेशर पे ले सकते हैं, सीपी या सीवी का मान, सीपी या फिर सीवी। तो अपन ने देखा लास्ट चैप्टर में भी अपन ने देखा था कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई थी, आइंस्टीन मॉडल इसको प्रूफ नहीं कर पा रहा था, फिर डिवाइड नहीं किया था। तो यहाँ पर भी अपन देखते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा अपन समझा पाते हैं। पहली चीज़ ये देखो कि जैसे अपन जानते हैं कि यहाँ हमने बात की, अभी जैसे लास्ट लेक्चर में हमने क्या बात की कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को किसी धातु पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए क्या जरूरी था कि हमने उसको टेम्परेचर दिया, ठीक है। टेम्परेचर देने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब अंदर फिनोमिना हम ये भी जानते हैं कि टेम्परेचर देने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन रहा होगा, जो भी कण, जो भी अणु हमारा होता है, वो क्या करने लग जाता है, वहाँ पे कंपन करने लग जाता है, वाइब्रेट करने लग जाता है। पता है आप लोगों को, देते हैं इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं। एग्जांपल होता है जैसे पानी का एग्जांपल, पानी को आप बॉयल करो कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद देखते हो आप अपने आप उसमें अंदर ही अंदर ऐसे कुछ बड़ी लहरें से उठने लग जाती है। वो लहरें क्या होती है, उसके कणों का वाइब्रेशन होता है वो, ठीक है। तो उसमें कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन के रिजल्टेंट में क्या होता है, उस वाइब्रेशन के कारण अणु थोड़ा बहुत ही सही लेकिन अपनी जगह से स्थानांतरित होते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है वाइब्रेट होने का मतलब ही होता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही उनमें आपस में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इसका मतलब उनमें क्या होता है, स्थानांतरण गति हो जाती है, स्थानांतरण गति हो जाती है। इसका मतलब हम अगर यहाँ बात करें विशिष्ट ऊष्मा की, तो किसी भी परमाणु की विशिष्ट ऊष्मा भी इन दोनों गति के कारण होगी। पहली तो कौन सी हो रही, कंपन गति, और दूसरी उसकी कौन सी हो जाएगी, स्थानांतरण गति, इन दोनों के कारण, ठीक है। तो पहले इसमें लिखो आप लोग, लिखो धातुओं में ऊष्मीय ऊर्जा के कारण, धातुओं में उष्मीय ऊर्जा के कारण परमाणुओं के कंपन के अतिरिक्त, परमाणुओं के कंपन के अतिरिक्त मुक्त इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण गति भी होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण गति भी होती है, ठीक है। अर्थात विशिष्ट ऊष्मा सीवी, विशिष्ट ऊष्मा सीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीवी परमाणु प्लस सीवी इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन मतलब समझ गए, परमाणु कौन सा है जो इनकी कंपन गति हो रही है परमाणुओं की, और इलेक्ट्रॉन कौन सी गति है जो इलेक्ट्रॉनों की मुक्त इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण गति हो रही है। तो सीवी टोटल किसके इक्वल होगा, सीवी परमाणु प्लस सीवी इलेक्ट्रॉनिक। अब यहाँ पे दूसरी चीज हमें ये भी पता है कि अगर हमने जैसे बात की परमाणु पे, हमने कौन सी गति की बात करें, कंपन गति, कंपन गति जो हो रहा है हमारा, वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेशन आपको पता है दोनों टाइप की एनर्जी इंक्लूड होती है, कौन कौन सी, गतिज ऊर्जा भी इंक्लूड होगी और स्थितिज ऊर्जा भी इंक्लूड होगी। गतिज ऊर्जा आपकी क्या होती है, 1/2 mv², ठीक है। और
और स्थिति जो है आपके पास क्या होती है कि एक्स स्क्वायर के इक्वल होती है। दोनों किस पर डिपेंड करते हैं, वेग पर और एक्स मतलब इनके पोजिशन पर, इन दोनों के लिए द्विघात के समानुपाती होती है टोटल एनर्जी जो हमारे पास होती है। ठीक है, मतलब हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि अगर हम ये बोले कि कोई एक विमीय कंपन गति की अभी हम अभी बात करें, ऑनली वन डायमेंशन के लिए हम बात करें, वन डायमेंशन के लिए, ठीक है, या तो लिख लो आप लोग लिखो एक विमीय कंपन गति में, एक विमीय कंपन गति में गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा दोनों, गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा दोनों वेग व विस्थापन की द्विघाती फलन होती है, वेग व विस्थापन की द्विघाती फलन होती है। लिख लेना ब्रैकेट में 1/2 mv² एंड एंड लिख लेना kx² दोनों ही द्विघाती फलन होती है। ठीक है, तथा तथा समविभाजन सिद्धांत के अनुसार, समविभाजन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, शॉर्ट में लिख लेना DOF, प्रत्येक DOF के लिए प्रतिकरण ऊर्जा 1/2 kT होती है, प्रतिकरण ऊर्जा 1/2 kT होती है। ठीक है, और इसका मतलब अपने पास यहाँ पर कितनी हो जाएगी टोटल प्रतिकरण ऊर्जा, औसत ऊर्जा की अगर अपन बात करें, औसत ऊर्जा इक्वल टू कितनी हो जाएगी 2 × 1/2 kT के इक्वल, मतलब kT ये कब आया आपके पास वन डायमेंशन के लिए। अगर अपन बात करें त्रिविमीय स्पेस के लिए, त्रिविमीय आकाश में क्या वैल्यू हो जाएगी 3 kT, लिख लो त्रिविमीय आकाश में औसत ऊर्जा है अपनी किसके बराबर हो जाएगी 3 kT के बराबर। अपने पास क्या आ रही है एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी आ रही है। ठीक है, अगर अपन बात करें प्रति मोल एवरेज एनर्जी, प्रति मोल औसत ऊर्जा, कितनी हो जाएगी 3 n kT और n इंटू पे किसके इक्वल होता है r के इक्वल, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 3 RT। ये अपने पास E की वैल्यू आ गई 3 RT। क्लियर है, E अपने पास कौन सी आ रही है, E अभी अपन परमाणु की बात कर रहे हैं, पूरी बात अपन किसकी वजह से कर रहे हैं, ये वाइब्रेशन की वजह से कंपन, परमाणु में कंपन, तो लिख लेना E परमाणु किसके बराबर आ रही है 3 RT के इक्वल। तो यहाँ से अगर अपन सी वी निकालें इस परमाणु के लिए तो सी वी बराबर कितना हो जाएगा DE/dt इक्वल टू DE/dt 3 RT का, कितनी वैल्यू आ जाएगी बराबर 3 R, CV इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 R। इसको CV अपने पास अभी कौन सा आएगा, CV परमाणु का आया, लिख लेना CV परमाणु, CV परमाणु परमाणु की वैल्यू 3 R आ गई अपने पास। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1 पे देना CV परमाणु इक्वल टू 3 R। ये तो हमने बात की टोटल CV टोटल हमने फर्स्ट फर्स्ट किसको लिया था, ये फर्स्ट इक्वेशन आप उसको नाम दे देना जो स्टार्टिंग में हमने लिखा था, टोटल CV किसके बराबर थी CV परमाणु प्लस CV इलेक्ट्रॉनिक के बराबर थी, उसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देना और ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, ये आपके पास परमाणु के कारण आया है, परमाणु ऊर्जा से मतलब क्या है कंपन ऊर्जा जो हो रही है, जिसमें हमने टोटल अभी पूरा प्रोसेस हमने किया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों के इक्वल लिया, तो ये हमारे पास कंपन ऊर्जा के कारण विशिष्ट ऊष्मा ही CV परमाणु। अब दूसरी ऊर्जा कौन सी थी इलेक्ट्रॉनिक के कारण, तो हम देखते हैं CV इलेक्ट्रॉनिक, CV इलेक्ट्रॉनिक, CV इलेक्ट्रॉनिक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको पता है कि CV इलेक्ट्रॉन हमने कब खोला, जैसे पहले तो हमने देखा कि ऊष्मीय ऊर्जा के कारण परमाणु में कुछ तो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन के बाद जब वो फ्री हो जाते हैं उसके बाद उनमें कुछ ना कुछ स्थानांतरण होता है, आपको पता है स्थानांतरण में केवल कैसा होता है गतिज ऊर्जा के रूप में ही होता है, स्थिति ऊर्जा के रूप में तो स्थानांतरण होगा नहीं, मतलब यहाँ ओनली क्या होगी गतिज ऊर्जा 1/2 mv² ठीक है,
या 1/2 इसको हम ले सकते हैं ए थ्री, क्लियर है। इंटू में हम ले लें 3, क्यों, 3 डायमेंशन के लिए। तो ये वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगी, 3/2 के टी, क्लियर हो गया। चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना, लिख लो पहले ये वैल्यू लिख लो, सी बी इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी ये सी बी नहीं, ये तो हमारे पास ई इलेक्ट्रॉनिक आया है, ये भी हमारे पास औसत ऊर्जा ई इलेक्ट्रॉनिक के लिए, ब्रैकेट में लिख लेना। चूंकि चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों में केवल गतिज ऊर्जा ही होती है, 1/2 आर टी मान लेते हैं इसको, 1.2 आर टी में एक मोल के लिए डायरेक्ट ले लेते हैं, तो 3/2 आर टी, ठीक है। चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों में केवल गतिज ऊर्जा ही संभव है, इसलिए 3 क्यों आया है, ये 3d के कारण आए हैं, 3 विमिंग के लिए। ये आ गया हमारे पास, तो यहाँ से सी बी इलेक्ट्रॉनिक इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 आर, इक्वेशन नंबर 3, 3/2 आर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल सी बी बराबर क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 से, 1 times CV, दोनों का टोटल था, मतलब 3R + 3/2 R किसके इक्वल हो जाएगा, 9/2 R, CV इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा, 9/2 R, धातुओं के लिए कक्षीय ताप पर सीवी का मान 3R के निकट होता है। अभी हमने इसे लास्ट निकाला था डिवाइड थ्योरी में, तो वहाँ हमें वैल्यू टोटल किसके इक्वल मिली थी, ओनली इस 3R के इक्वल मिली थी, ये वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी, ठीक है। देखो धातुओं के लिए सीवी का मान 3R के निकट होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का योगदान बहुत कम होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का योगदान बहुत कम होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा से संबंध या विसंगति चिर संबंध सांख्यिकी की प्रमुख विफलताओं में से एक थी। क्लासिकल मैकेनिक्स की चिर संबंध सांख्यिकी की प्रमुख विफलताओं में से एक थी, जिसका समाधान फर्मी डिराक सांख्यिकी के द्वारा प्राप्त हुआ, जिसका समाधान फर्मी डिराक सांख्यिकी के द्वारा प्राप्त हुआ, फर्मी डिराक सांख्यिकी के द्वारा प्राप्त हुआ, ठीक है। ये आपको एक तो विसंगति में, ये तो हमारी प्रॉब्लम, अब इसका सॉल्यूशन हमें कहाँ से मिला, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स से। तो ये भी एक तरीके से फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का एक एप्लीकेशन पार्ट हम समझ सकते हैं इसको, ठीक है। फर्मी डिराक से कैसे हुआ, क्योंकि फर्मी डिराक से हमने देखा था हमें एक फाइनली ग्राफ मिला था T=0 का, कुछ इस टाइप की हमें वैल्यू मिली थी, ये हमें कुछ ग्राफ मिला था इसका, ठीक है, सही से बना रहे, ये ग्राफ मिला था हमें T=0 के पर। तो यहाँ हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी मिली थी, 1, इस जगह पे हमने बताया था कि प्रोबेबिलिटी कितनी रह जाती है, 1/2 रह जाती है, ये थी हमारी 0 कंडीशन पर, क्लियर है। ये हमें ग्राफ मिला था, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा था, ये 1 कौन सी प्रोबेबिलिटी को बता रहा था, EF की। यहाँ पर हमारी पर मैक्सिमम ऊर्जा किसके बराबर होती है, फर्मी ऊर्जा इस पर EF के बराबर होती है। तो यहाँ से हमें पता चल गया था कि सभी इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा जो होगी, जो टोटल यहाँ जो विसंगति आ रही है, यहाँ पर हमें ये पता चल गया था कि उन्होंने टोटल एनर्जी किसके इक्वल दी थी, फर्मी ऊर्जा स्तर के बराबर। या EF के मान से CV निकालो, मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होगी, EF के इक्वल होगी ना, 3RT पे जाओ ना 3/2 RT पे जाओ, ये E की वैल्यू यही तो है, 3RT आ रही है 3/2 RT, फिर उनका आप टोटल निकाल रहे हो CV निकाल कर। तो उन्होंने कहा कि मैक्सिमम एनर्जी आप ऑनली EF लो, जिसके अधिष्ठान प्रायिकता ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, क्लियर है। लिखो ये इस विसंगति का समाधान किसने किया, फर्मी डिराक सांख्यिकी के द्वारा प्राप्त हुआ। लिखो फिर फर्मी डिराक सांख्यिकी के अनुसार
परमिट दिनांक सांख्यिकी के अनुसार परम शून्य ताप पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा, परम शून्य ताप पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा फर्मी ऊर्जा स्तर ईएफ तक हो सकती है। फर्मी ऊर्जा स्तर ईएफ तक हो सकती है, हमारे पास क्या था, एनर्जी था और यहाँ एन आई अपॉन जी आई, ठीक है, अधिकतम ऊर्जा फर्मी ऊर्जा स्तर तक हो सकता था, यही था हमारे पास ईएफ फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है। लिखो, अतः यदि इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कैपिटल एन है, यदि इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कैपिटल एन है तो उन इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल एन, तो उन इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल एन, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं कैपिटल एन, तो उसमें से उन इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल एन जो टी ताप पर, जो कैपिटल टी ताप पर ऊर्जा अवशोषित कर, कैपिटल टी ताप पर ऊर्जा अवशोषित कर उच्च ऊर्जा के स्तर में संक्रमण करते हैं, उच्च ऊर्जा के स्तर में संक्रमण करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन इक्वल टू के टी अपॉन ई एफ इंटू कैपिटल एन। ये एन हमारे पास कैपिटल एन टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इसमें से एन केवल वो इलेक्ट्रॉन है जो कि ऊर्जा मिलते ही वो कहाँ चले जाते हैं, हाई एनर्जी लेवल्स में चले जाते हैं। एन इक्वल टू के टी अपॉन ई एफ इंटू कैपिटल एन, ठीक है। अब जैसे जैसे अगर यहाँ हम टेम्परेचर है जीरो से लेकर के टी केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी एनर्जी में भी वृद्धि होगी, ठीक है। हम क्या लिखें, जीरो से टी ताप वृद्धि पर इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा में वृद्धि, ई बराबर एन के टी, एन की वैल्यू हमारे पास ये है, मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा, के स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन ई एफ इंटू एन, ई इक्वल टू के स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन ई एफ इंटू एन। यहाँ से अगर हम बात करें, ये हमारे पास एनर्जी आ रही है ई एफ के अकॉर्डिंग, एनर्जी की वैल्यू मिली है, यहाँ से अगर आप सी डी निकालोगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगी, सी वी इक्वल टू डी ई अपॉन डी टी इक्वल टू टी का कर दो टू टी हो जाएगा, क्या वैल्यू हो जाएगी, टू के स्क्वायर एन अपॉन ई एफ इंटू, मतलब यहाँ से हम क्या देखते हैं, ये सी वी हमें कौन सा मिला, इलेक्ट्रॉनिक, सी वी इलेक्ट्रॉनिक, ये प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, टी के, सी वी इलेक्ट्रॉनिक प्रोपोर्शनल टू टी, सी इक्वल टू मिला था पाई स्क्वायर अपॉन टू इंटू जेड के स्क्वायर एन इंटू टी अपॉन ई एफ, सी इलेक्ट्रॉनिक, ये वैल्यू मैथमेटिकली कैलकुलेट करने पर हमें मिली थी। यहाँ पर जेड क्या होता है, प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, जो थोड़ा टेम्परेचर मिलते ही फ्री हो जाते हैं, प्रति
परमाणुओं से संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ से आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। देखो सी वी इलेक्ट्रॉनिक बराबर क्या लिख सकते हैं, सी वी इलेक्ट्रॉनिक इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय टू इंटू जेड इंटू में देखो के स्क्वायर इंटू एन है, तो एक के तो हम अलग ले लेते हैं और एक एन और के को एक साथ ले लेते हैं। एक के एज इट इज लिखते हैं, एक के और एन को एक साथ देते हैं और एन और के किसके इक्वल, आर के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा आर इंटू टी अपॉन ई है। क्लियर है? अभी बाकी पूरी वैल्यू को हम कोई कांस्टेंट एक इक्वल ले ले लें तो सी वी इलेक्ट्रॉनिक इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू टी। सी वी इलेक्ट्रॉनिक किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटू टी, जहाँ ए बराबर आपने क्या माना है पाई स्क्वायर बाय टू जेड के आर अपॉन ई है। सीवी इलेक्ट्रॉन की रिजल्ट मिला।